नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ सालों से भारत के एथलीट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो या फिर ओलंपिक की बात हो। इसके अलावा और भी जो गेम्स हो रहे हैं वहां पर शानदार तरीके से मेडल पर मेडल जीते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक 95 साल की दादी ने भारत की झोली में मेडल डाला है, जिसके बाद दुनिया हैरान है और सभी दादी को बधाई भेज रहे हैं। जी हाँ, चौंकिए नहीं, 95 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर दादी ने इतिहास रचा है। आपको बता दें कि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाली 95 साल की भगवानी देवी ने एक बार फिर सारी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। देश के सबसे उम्रदराज धावक के रूप में पहचानी जाने वाली भगवानी देवी डागर ने पोलैंड में खेली गई 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 60 मीटर दौड़ में और डिस्कस थ्रो और शॉटपुट की प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। ये कारनामा उन्होंने जैसे ही किया, उसके बाद भारत के साथ ही साथ पूरी दुनिया उन्हें बधाई दे रही है। आप समझ सकते हैं कि 95 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल किसी प्रतिस्पर्धा में जीतना कितनी बड़ी बात है। ऐसे में सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। और जीत के बाद भारत जब वो वापस लौटी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। सब खेलो कूदो, दूसरे देश में जाओ, वहाँ दौड़ करो, कुश्ती करो, लड़ाई करो और मेडल जीत कर जाओ, अपने देश को रोशन करो। जब आपको वहाँ पे बताया गया कि आप जीत गई हो, आप गोल्ड मेडल जीती हो, आपको कैसा लग रहा था उस समय? बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं 18 मेडल जीत कर ले रही हूँ भाई। 18 और आगे क्या प्लान है, और आप भी आगे खेलोगी? अभी यही प्लान है, जीवूंगी इतना खूब खेलूंगी, दूसरे देश में जाऊंगी, मेडल जीत कर लाऊंगी, अपने देश को रोशन करूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 95 साल की उम्र में भगवानी देवी ने शानदार तरीके से भारत की झोली में 3 मेडल डाले हैं, और इसके बाद पूरा देश खुशी से झूम रहा है और दुनिया भर से उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई मिल रही है। फिलहाल सुनिए भगवानी देवी के पोते ने क्या कुछ कहा है इस जीत के बाद। दादी की कैसे तैयारियां थी, और ये लास्ट ईयर भी गोल्ड जीती थी, एक ब्रॉन्ज जीती थी और इस साल 3 गोल्ड जीती है पोलैंड, क्या कुछ तैयारियां रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लास्ट ईयर फिनलैंड में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वो आउटडोर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिसमें 100 मीटर शॉटपुट और डिस्कस में इन्होंने भाग लिया था। 2 ब्रॉन्ज आए थे इनके, और एक 100 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ 24.74 सेकंड में इन्होंने गोल्ड जीता था। 23.15 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक सेकंड से चूक गई थी ये। लेकिन इस बार तीनों के तीनों गोल्ड लाकर इन्होंने तीनों मेडल के रंग बदले हैं, और ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। साथ ही मैं ANI के माध्यम से पूरे देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना मान और सम्मान दादी जी के लिए दिया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाली नवंबर माह में फिलीपींस में एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप है, तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर भी 3 गोल्ड लाकर दोबारा से देश का नाम रोशन करेगी।